नरसिंहपुर जिले का नरसिंह तालाब लगभग 25 वर्ष से जीर्णोद्धार के लिए राह देख रहा था। इन 25 सालों में नरसिंहपुर जिले में 5 से 6 कलेक्टर आए हैं, लेकिन किसी की भी नजर नरसिंहपुर तालाब पर नहीं पड़े। नरसिंह मंदिर के पीछे लगभग 18 एकड़ में तालाब नुमा जगह बहुत समय से बिना पानी के सूखे पड़ी हुई थी। कहते हैं कि 25 वर्ष पहले तालाब में लबालब पानी से भरा हुआ करता था। शासन की योजना के अनुसार जंगल संरक्षण के लिए तालाब निर्माण की योजना चलाई जाती है और उसी के अंतर्गत तालाब का गहरीकरण भी किया जाता है। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह ने तालाब के गहरीकरण के लिए जनमानस को जोड़ दिया है। उन्होंने श्रमदान की मुहिम चलाकर नरसिंहपुर के लोगों को तालाब के गहरीकरण में श्रमदान करने के लिए प्रेरित किया है। देश में अनेकों तालाब है, लेकिन नरसिंह तालाब देश का अजब अनोखा तालाब है। देश के अन्य तालाब में साधारण पानी होता है, लेकिन इस तालाब में पवित्र नर्मदा जल भरा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। भगवान शिव की जटा से निकलकर भागीरथ के तप के कारण गंगा पृथ्वी पर आ गई। नरसिंह तालाब में नर्मदा जल लेकर आने वाले कलेक्टर रोहित सिंह पवित्र नर्मदा नदी के लिए भागीरथ बन गए हैं। नरसिंहपुर की नरसिंहपुर जिले की धरोहर नरसिंह तालाब विगत 40 वर्षों से जीर्णोद्धार की राह देख रहा था। वो राह तत्कालीन कलेक्टर रोहित सिंह से मिली। आइए एक ऐसे कलेक्टर से रूबरू कराते हैं जिनकी छवि जनता के बीच हीरो की बन चुकी है। कलेक्टर साहब, अभी नरसिंह तालाब विगत 10 दिनों से नरसिंहपुर जिले में चर्चा का विषय बना है। ये 40 साल से जीर्णोद्धार की राह देख रहा था। इस बीच 37 कलेक्टर हैं, आप 38वें कलेक्टर हैं, लेकिन किसी की नज़र इस धरोहर पर नहीं पड़ी। लेकिन आपके कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, पूरी जनता आपको एक हीरो की तरह दिख रही है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों से सभी जिलों में ग्राम गौरव दिवस एवं नगर गौरव दिवस मनाए जाने का क्रम चालू है। उसी क्रम में हम सब ने, सभी नगरवासियों ने, सभी जिलेवासियों ने निर्णय लिया कि भगवान नरसिंह का जो प्रकटोत्सव है जो 14 मई 2022 को था, उसको हम सब लोग नगर गौरव दिवस और जिले गौरव दिवस के रूप में मनाएं। तो इस दौरान हमने 12 से 14 मई के बीच में कार्यक्रम किया था। जब कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई और उसके पहले भी यथाकदा लोगों से ये बात आती रहती थी कि इस तालाब में श्रमदान तो हुआ है पर इसका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है हम सब लोग के परिप्रेक्ष्य में, नरसिंहपुर के परिदृश्य में, कि यहाँ कोई ऐसा शहर के बीच में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ लोग अपने परिवारों को साथ में लेकर के बैठ सकें, समय बिता सकें या मित्रों के साथ समय बिता सकें। तो ना ही कोई वॉकिंग ट्रैक है, ना ही कोई नेचर ट्रेल है जहाँ लोग जा सकें, लेजरली टाइम स्पेंड कर सकें। जब ये तालाब, जब हम लोग नरसिंह महोत्सव मना रहे थे और गौरव दिवस के रूप में मना रहे थे, तो नरसिंहपुर की पहचान, उसके आधार स्तंभ भगवान नरसिंह है और उन्हीं के नाम से पूरे जिले का नाम मिला हुआ है। तो हम सब ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना इसकी शुरुआत नरसिंह मंदिर परिसर से ही हो और जो तालाब इतने दिन से उपेक्षा का शिकार है, अतिक्रमण का शिकार है, उसको क्यों ना हम लोग एक आदर्श स्थल के रूप में, एक पुण्य क्षेत्र के रूप में विकसित करें और यहाँ लोगों के लिए नेचर ट्रेल हो, वॉकिंग ट्रैक हो, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो, जिम हो और कॉमन एरिया हो, सिटिंग एरिया हो, चेयर्स लगी हुई हो, लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, यहाँ बोटिंग की सुविधा हो, फाउंटेन्स लगे हों, क्यों नहीं हम एक एक आदर्श स्थान बना सकते हैं, एक पुण्य क्षेत्र बना सकते हैं कि जब आप नरसिंह मंदिर आएँ तो 2 क्षण आप उस परिसर में बिताएं और अपने जो भी लोग बाहर से आते हैं, जो संबंधी आते हैं, मित्र आते हैं, उनको भी घुमाएं। तो इस दिशा में यह प्रयास शुरू हुआ, चूँकि उस समय हमारे पास समय कम था, कुछ चीज़ें हम कर सके। जैसे यहाँ बहुत दिन से लोगों की तमन्नाएं थी और देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से प्रयास हो रहे थे, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सहयोग कुछ ऐसा था कि सबके संकल्प जुटे, पूर्ववर्ती लोगों के प्रयास जुटे और मां नर्मदा का जल आ गया। नहर से पानी आना था लेकिन नहर टूटी हुई थी कई जगह, तो हम लोग गए वहाँ हम लोगों ने भ्रमण किया और हम सब लोगों ने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उनको हम सब लोगों ने जोड़ा, उनका सूचीबद्ध किया और एक एक समस्या का हल निकाला और रिकॉर्ड टाइम पे, संभवतः 30-32 घंटे में आप माँ नर्मदा का पानी आप सबके बीच में आ गया और माँ नर्मदा की गोद में नरसिंहपुर बसा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि और नरसिंहपुर के बीचों बीच माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा संयोग कि एक तरफ माँ नर्मदा का दर्शन होता है और एक तरफ भगवान नरसिंह का, और दोनों की संकल्प सेवा सिद्ध हुई। तो अब हमारा ये प्रयास है कि
जो आप 10 दिन की बात कर रहे हैं कि 10 दिन से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी जब ये नर्सिंग महोत्सव हम लोग मना रहे थे तो लोगों को चिंता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कार्यक्रम मनाने के लिए प्रयास हो रहा है और उसके बाद फिर सब कुछ थम जाएगा, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब लोग तैयार हुए, सभी संगठन जुड़े, और नर्सिंग उत्सव मनाने के बाद भी, नगर गौरव दिवस मनाने के बाद भी हम सब लोगों ने श्रमदान किया और श्रमदान चल भी रहा है लगातार। अब हमारी यह कोशिश है कि बरसात आने से पहले कम से कम हम उसकी पडलिंग कर लें ताकि पानी का सीपेज ना हो, पिचिंग कर लें और इनलेट आउटलेट हम उसको तैयार कर सकें, और बारिश के बाद फिर उसमें हम लोग पेवर्स बिछाएंगे, उसमें टाइल्स लगाएंगे, उसमें वॉकवे बनाएंगे, उसमें स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, ओपन जिम बनाएंगे और बोटिंग की व्यवस्था करेंगे। देश में एक अनोखा तालाब बन गया है, अनेकों तालाब हैं, लेकिन एक ऐसा तालाब है जहाँ नर्मदा जल का भरा हुआ है। जी हाँ, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम कहते तो हैं कि हम नर्मदा जी की गोद में बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ से माँ नर्मदा कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर है, और इस माध्यम से माँ नर्मदा का आना एक बहुत अच्छे शुभ संकेत की ओर इशारा करता है, शुभ संकेत है, और हम सब लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक विषय है। और हम सब लोग जब माँ नर्मदा के यहाँ आगमन हुआ तो हम सब लोगों ने उनकी आरती से उनका स्वागत किया, और एक बहुत अच्छी परिपाटी जो है शुरू हो रही है वो ये है कि आए दिन यहाँ माँ नर्मदा की आरती होती है, उस दौरान भी हम लोगों ने 2 दिन आरती की थी, और अब अलग अलग समूह अलग अलग समुदाय, मातृ शक्तियाँ, युवा शक्ति सब इससे जुड़े हुए हैं, और शाम को भी अपनी अपनी प्रेरणा से, स्वप्रेरणा से अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज माँ नर्मदा की आरती कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक फिल्म आई हुई थी जिसमें एक हीरो लोगों की मदद करता है तो लोग उससे बोलते हैं कि ये आपका थैंक्स, और वो हीरो बोलता है कि थैंक्स की जगह 3 बार किसी की मदद कर देना। उसी तर्ज पर नरसिंहपुर की जनता आपको भी देख रही है, आपने एक संकल्प लिया था कि इसे तालाब का हम इतना सौंदर्यीकरण कर देंगे कि लोगों के लिए भी उपयोगी बनेगा। इसमें बहुत से तालाब हैं, लेकिन नरसिंहपुर का एक अनोखा अजब तालाब जिसमें माँ नर्मदा का जल भरकर नरसिंहपुर की धरा को धन्य किया गया है। भविष्य में इस तालाब को नरसिंहपुर ज़िले के लोग व्यू पॉइंट के रूप में देखेंगे। नरसिंहपुर से अमित वर्मा। प्रसन्नता का विषय है कि कलेक्टर महोदय ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर और नरसिंह मंदिर के ट्रस्ट के लोग भी इसमें सक्रिय रहे और जनप्रतिनिधि भी सक्रिय रहे, और कलेक्टर महोदय ने जो आह्वान किया उस आह्वान को हर तबके के लोगों ने स्वीकार किया, और आज जीर्णोद्धार का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ श्रमदान कर रहे हैं लोग, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक श्रमदान करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लोग आते हैं, स्वल्प आहार लाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, और मशीनों से भी काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से यहाँ काम चल रहा है। हमें उम्मीद है, हम आशावादी हैं कि यह नरसिंह मंदिर तालाब और नरसिंह तालाब और नरसिंह मंदिर एक दिन आस्था का केंद्र बनेगा। पूरे ज़िले के लोग, पूरे प्रदेश के लोग इस तालाब को और इस मंदिर को देखने आएंगे, यहाँ का आनंद लेंगे, लुत्फ लेंगे, भक्ति रहेगी, उत्साह रहेगी और उमंग रहेगी। हम सब आशावादी हैं, निश्चित तौर पर कलेक्टर महोदय बधाई की पात्र है जिन्होंने हम लोग के लिए। बहुत गौरव की बात है कि कलेक्टर सर ने इतना अच्छा कार्य करवाया हम लोग के लिए, और ये नरसिंहपुर के लिए बहुत शानदार बात है, और ऐसे कलेक्टर कारण ही हम लोग के यहाँ पे इतना अच्छा ये बनने वाला है नरसिंह मंदिर के लिए इतना अच्छा तालाब। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, लोगों का घूमने का भी एक जरिया बन जाएगा, और हम लोग यहाँ पे श्रमदान करने आ रहे हैं और बहुत से लोग आते हैं और 3-4 घंटे सब लोग कार्य करते हैं और साथ में सब मेहनत करते हैं। कितने दिनों से आप लोग इस श्रमदान में शामिल हैं? हम लोग 1-1.5 हफ्ते से यहाँ से साथ में जुड़े हुए हैं श्रमदान में। ये पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जब से सर ने देखा है, कलेक्टर सर हम लोग को इतने अच्छे कलेक्टर सर मिले, तब से यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य